हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आईक्यू टैब. नो आज के इस वीडियो के अंदर हम 25th of December 2023 के न्यूज़पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए प्राइमरीली हम द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर रिलाई करेंगे. नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज के अंदर हम एवरीडे न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड पॉइंट्स को डिस्कस किया करेंगे, विद द मेन एम कि हम न्यूज़पेपर को कम से कम समय दें और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे डेली न्यूज़पेपर के अंदर आ रही हैं उसे हम एक जगह पर कंपाइल कर लें, सो दैट वो टू द पॉइंट और शॉर्ट में हो, जिसे हम समय आने पर टाइम से और बहुत ही कम समय में रिवाइज कर सकें. सो आज के इस न्यूज़पेपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हमें यह समझना है कि कुछ मैरीटाइम वेसल्स थे जिनको रिसेंटली रेड सी के अंदर अटैक किया गया था. नाउ आपको ध्यान रखना है कि मैरीटाइम वेसल्स के नेम्स क्या क्या हैं. जैसे कि देर इज अ नेम कॉल्ड एस एमवी. एमवी का मतलब होता है मैरीटाइम वेसल. सो मैरीटाइम वेसल साई बाबा. मैरीटाइम वेसल साई बाबा जो है एक क्रूड ऑयल का टैंकर था, यानी कि कच्चे ऑयल का एक टैंकर था जो कि गेबोन से इंडिया की तरफ आ रहा था. और जब वो आ रहा था तो रेड सी में उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है. और ये माना जा रहा है कि इसके ऊपर जो अटैक हुआ है वो हाउदीज के द्वारा किया गया है. नाउ हाउदीज कौन है? हाउदी बेसिकली एक इंसर्जेंट या फिर एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि यमन की ग्रुप है, और इसे ईरान जो है, ईरान नाम की जो कंट्री है वो इसे बैक करती है. ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि मैरीटाइम वेसल साई बाबा, इसको एक इसके ऊपर अटैक किया गया है, ड्रोन अटैक किया गया है रेड सी के अंदर, और ये गिबॉन की शिप थी जो कि इंडिया की तरफ आ रही थी. इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में कुछ और भी ऐसे मैरीटाइम वेसल्स थे जिनके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया था. उनके नेम्स हैं मैरीटाइम वेसल चेम प्लूटो. ये एक लाइबेरिया की शिप थी जो कि भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जस्ट बाहर इसके ऊपर अटैक किया गया था. इसके अलावा देयर इज अ शिप कॉल्ड एस ब्लामानिन. ब्लामानिन जो है नाइजीरिया की शिप है, इसके ऊपर भी जो ड्रोन है, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये अटैक से एस्केप करने में कामयाब रहा था. समझने वाली बात यह है कि ये तीनों ही शिप्स गिबॉन, नाइजीरिया और लाइबेरिया से इंडिया की तरफ आ रहे थे, और इनके ऊपर हाउदीज के द्वारा रेड सी के अंदर ही अटैक किया गया था. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके नेम क्या है. प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है दैट साई बाबा, चेम प्लूटो एंड ब्लामानिन रिसेंटली सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू व्हाट. सो यू शुड बी अवेयर कि ये मैरीटाइम वेसल्स हैं जो कि रेड सी के अंदर जिनके ऊपर अटैक किए गए थे. ठीक है, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है गिबॉन, लाइबेरिया और नाइजीरिया का जो लोकेशन है, आपको लोकेशन पता होना चाहिए. नाउ अगर हम ये देखते हैं कि दिस इज अ अफ्रीकन नेशन, सो ये सेंट्रल अफ्रीका में जो ये वाला पार्ट है दिस इज बेसिकली गिबॉन. ठीक है, इसके अलावा अपर पार्ट में, अगर अफ्रीका के अपर पार्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आता है लाइबेरिया, एंड दोनों के बीच में दिस लार्जर कंट्री दिस इज नाइजीरिया. ठीक है, सो आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए और इन तीनों ही जो मैरीटाइम वेसल्स हैं इनके नेम्स आपको पता होने चाहिए. नाउ इसी पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड जो रेड सी है, रेड सी के अंदर ही इन तीनों पर अटैक हुए हैं, सो हमें रेड सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए. जैसे कि सबसे पहले चीज़ तो कि रेड सी जो है वो इंडियन ओशन के अंदर एक इनलेट है. इनलेट का मतलब होता है जहाँ से वाटर बॉडी एंटर करती है. इसके अलावा ये एक सेमी इंक्लोज्ड ट्रॉपिकल बेसिन है, मतलब पूरी तरीके से इंक्लोज नहीं है. इसको जो आउटिंग मिलती है वो इंडियन ओशन के अंदर मिलती है, मतलब इंडियन ओशन की तरफ वो बाहर की तरफ निकलता है इसका वाटर बेसिन. और ये एक ट्रॉपिकल बेसिन है, मतलब कि एक ऐसा वाटर बेसिन है जो वर्ल्ड के ट्रॉपिकल वाटर्स के अंदर प्रेजेंट है. नाउ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल बेसिन है. ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि रेड सी जो है वो वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल बेसिन है. इसके अलावा ये वर्ल्ड के सबसे सॉल्टीएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर के अंदर भी आता है. ऐसा क्यों? क्योंकि रेड सी के अंदर जो वाटर है वहाँ पर हाई इवेपोरेशन होता है बट बहुत ही लो प्रेसिपिटेशन होता है. सिंपल वर्ड्स में कहें, यहाँ पर सन की रेस डायरेक्टली वाटर पे पड़ने के कारण इवेपोरेशन का जो परसेंटेज है, इवेपोरेशन का जो रेट है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, बट यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है. प्रेसिपिटेशन इतना लो है कि यहाँ पर जो न्यू वाटर है वो यहाँ पर ऐड नहीं होता है. ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इवेपोरेशन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है बट प्रेसिपिटेशन यहाँ पर बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये वन ऑफ द सॉल्टीएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है. नाउ इसके लोकेशन से आप ये तो जान गए होंगे कि ये अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट्स के बीच में प्रेजेंट है, और टोटल 6 कंट्रीज को बेसिकली ये बॉर्डर करता है, जो कि है यमन, सऊदी, इजिप्ट और अफ्रीका से है सूडान, इरिट्रिया और जिबूटी. ठीक है, इसकी ओवरऑल लेंथ की अगर हम बात करें तो वो मोर देन 2200 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ है और लगभग 300 किलोमीटर इसकी विड्थ है.
और ये एक प्रोमिनेंट सी रूट है जिसके थ्रू जो मिडल ईस्टर्न कंट्री, जो मिडल यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इंडियन जो वाटर्स है, यानी कि इंडियन ओशियन है या फिर जो इंडियन वाटर्स है, उस तरफ अपने सारे के सारे वेसल्स को भेजती है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन के अंदर पूछ सकता है वो ये है कि रेड सी का नाम रेड सी क्यों है। सो रेड सी के नाम के पीछे वन ऑफ द मेन रीजंस ये है कि यहाँ पर एक ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम इस नाम का एक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। सो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरियाज आर ब्लू ग्रीन एल्गीज। सो बेसिकली एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया है जो कि इस पर्टिकुलर वाटर सरफेस के अंदर प्रेजेंट है और इसके कारण यहाँ का जो पानी है वो कंपैरेटिवली रेड कलर का दिखता है। सो आपको ध्यान रखना है रेड सी के अंदर एक साइनोबैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, और ये ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम जो है वो एक टाइप का साइनोबैक्टीरिया यानी कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि आसपास के पानी को रेड बनाता है, एंड दैट इज वाई रेड सी इज कॉल्ड एस रेड सी। ठीक है, आई होप आपको इसके नाम के पीछे का मेन रीजन पता चल गया। नाउ जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि रेड सी के अंदर प्रेसिपिटेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब बारिश बहुत कम होती है, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कोई भी इंपॉर्टेंट रिवर, कोई सिग्निफिकेंट या फिर बड़ी रिवर जो है वो रेड सी के अंदर अपना पानी नहीं छोड़ती है। दैट इज़ वाई यहाँ का जो पानी है, वहाँ का पानी का जो इनफ्लो है वो बहुत ही कम है और आउटफ्लो बहुत ही स्ट्रांग है। आउटफ्लो क्यों? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, मतलब यहाँ पर इवेपोरेशन का जो परसेंटेज है वो बहुत ही हाई है। बट फिर भी यहाँ पर कुछ रिवर्स हैं जैसे कि बारका रिवर, हदस रिवर, अनसेबा रिवर और वादी गसस रिवर जो कि इस पर्टिकुलर रेड सी के अंदर अपने पानी को ड्रेन करते हैं। बट आई होप यू विल गेट इट कि इन पर्टिकुलर रिवर्स का जो ओवरऑल वाटर परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, दैट इज़ वाई यहाँ का पानी जो है वो सॉल्टीएस्ट वाटर्स में से एक है। ठीक है, इसके अलावा जो रेड सी है, रेड सी को इंडियन ओशन से जो कनेक्ट करता है वो एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंदाब स्ट्रेट। तो आपको ध्यान रखना है बाब अल मंदाब जो है वो कनेक्ट करता है रेड सी को इंडियन ओशन से, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पोटेंशियल क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपके अंदर, आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन जो जिसके ऊपर यूपीएससी बहुत ज्यादा फोकस करती है वो ये है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं उन वाटर बॉडीज के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि जो रेड सी के जो कोरल रीफ हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट अभी तक क्लाइमेट चेंज का नहीं देखा गया है, मतलब क्लाइमेट चेंज से वो काफ़ी ज़्यादा रेजिलिएंट है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण वहाँ का जो वाटर है वो काफ़ी वार्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो कोरल रीफ है वो अभी तक काफ़ी सेफ है। लेकिन और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पॉल्यूशन, फिर मास टूरिज्म, ओवर फिशिंग, और ओवर फिशिंग में जो फिशिंग के दौरान जो बॉटम ट्रॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बॉटम ट्रॉलर्स एक टाइप का फिशिंग नेट्स होते हैं, उसके कारण हैबिटेट डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण जो रेड सी के वाटर हैं वो पॉल्यूशन की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं, मतलब पॉल्यूट हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो वार्मिंग वाटर्स यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर काफ़ी कम है। ठीक है, सो अगर प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग द रेड सी टू लेट्स से श्रिंक, या फिर वहाँ का जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, या फिर वहाँ का जो कोरल रीफ है वो काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो आंसर विल बी नो, द स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नाउ जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, जैसा कि आप जानते हैं भारत के अंदर फिर से एक बार कोविड 19 के जो केसेस हैं उसके अंदर अपसर्ज देखे गए हैं। देर इज़ अ न्यू वेरिएंट कॉल्ड एस JN.1, और JN.1 माना जा रहा है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था इससे पहले, उस ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब टाइप है, राइट? तो यही जो JN.1 वेरिएंट है उसी को फिर से एक बार उसके केसेस सर्ज होने के कारण इंसाकॉक नाम की जो बॉडी है एक बार फिर से वो एक्टिव हो गई है। सो इंसाकॉक का फुल फॉर्म क्या है? इंसाकॉक मींस इंडिया सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बॉडीज। ठीक है, देखिए ये गवर्नमेंट रन कंसोर्टियम है। गवर्नमेंट रन मतलब इंडिया जो एज अ गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया है। इनका मेन एम ये होता है कि इनको स्टडी करना होता है और मॉनिटर करना है द जीनोम सिक्वेंसिंग एंड द वायरस वेरिएशन ऑफ कोविड-19 स्ट्रेन्स इन इंडिया। सो बेसिकली भारत के अंदर जितने भी न्यू टाइप के कोविड के स्ट्रेन्स आ रहे हैं उनको स्टडी करना और उनको मॉनिटर करना, प्लस उनकी सीक्वेंसिंग करके ये पता लगाना कि इनका इन पर्टिकुलर जो कोविड वायरस है उनका एग्जैक्ट किस तरीके का रेप्लिकेशन हो रहा है, कितनी ज़्यादा इनकी मॉर्बिडिटी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब समझने का काम जो है वो इंसाकॉक करती है। नाउ इंसाकॉक एज अ बॉडी 2020 यानी कि 2020 के दिसंबर में इनको बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, और इनको जब बनाया गया था तो तीन मेन बॉडीज थी जो साथ में आकर इनको इसने बनाया था। पहली थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक,
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। इसके अलावा सेकेंड बॉडी थी CSIR। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। और थर्ड है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इन तीन बॉडी ने साथ में मिलकर के इंसाकॉग नाम की एक बॉडी को बनाया, जिसके अंदर बहुत सारे जो साइंटिफिक लैब्स थे उन लैब्स को इसके अंदर लिया, और इन लैब्स ने साथ में मिलकर COVID-19 के जीनोम्स को सीक्वेंस करना स्टार्ट किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल ऑफ 54 लैब्स जो हैं वो इनके अंदर एक बॉडी का पार्ट है, ठीक है। सो 54 लैब्स को कंबाइन करके इंसाकॉग नाम की इस बॉडी को बनाया गया है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। तो नेक्स्ट न्यूज है, आई अंडरस्टैंड, आई होप दैट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, और इसका मेन एम ये है कि वो भारत के अंदर रेसलिंग को प्रमोट करता है और रेसलिंग प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, ताकि वो कम्पीट कर सके इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे कि ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, फिर नेशनल रेसलिंग चैंपियंस और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स, ऐसे जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा ये इंडिया की बॉडी है। नाउ इंडिया की बॉडी होने के कारण इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो भारत की ओलंपिक एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, दोनों ही इस पर्टिकुलर बॉडी को रिकॉग्नाइज करती है और दोनों से ही इसे मान्यता प्राप्त है। नाउ इस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर के आज एक आर्टिकल भी आया है, एक एडिटोरियल भी आया है, हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट के अंदर। सबसे पहले चीज़ तो कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है हमारा, उन्होंने रिसेंटली सस्पेंड कर दिया है द न्यूली इलेक्टेड WFI, यानी कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें रिसेंटली जो न्यू चीफ जो संजय सिंह जो बनाए गए थे उनको रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। पूरी बॉडी को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है हम पहले तो वो समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में कुछ ओलंपिक मेडलिस्ट जैसे कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के जो मेडलिस्ट हैं विनेश फोगाट, ये तीनों ही यहाँ पर प्रेस के सामने आते हैं और उन्होंने अक्यूज़ किया जो उस टाइम के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे बृजभूषण शरण सिंह, इनके अगेंस्ट उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है कुछ फीमेल रेसलर्स का और जो फीमेल जो पार्टिसिपेंट्स थी उन सबका। अब जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, ये बेसिकली एक BJP के पार्लियामेंटेरियन हैं। जब इनके अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाए गए तो काफ़ी दिनों के बाद इनके ऊपर कुछ एक्शंस लिए गए और इनके ऊपर से जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनका कंट्रोल इनसे ले लिया गया, मतलब इन्हें एज अ चीफ हटा दिया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए, जिसके अंदर हरासमेंट और स्टॉकिंग इन टाइप के जो क्राइम्स थे ये सब इनके अगेंस्ट रिपोर्ट किए गए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए, बृजभूषण शरण सिंह जो कि एक BJP के पार्लियामेंटेरियन हैं, इनको WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ के पद से हटा दिया गया और दिल्ली पुलिस ने इनके अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट कर दिया। बट देखा यह गया, जब इनको उन पर्टिकुलर पोजीशन से हटाया गया यानी कि WFI के चीफ के पोजीशन से हटाया गया, तो जो न्यू इलेक्शंस होते हैं उस न्यू इलेक्शन के अंदर भी जो न्यू पर्सन चूज होकर आते हैं जिनका नाम था संजय सिंह, वो संजय सिंह भी इनके ही लॉन्ग टर्म लॉयलिस्ट थे, मतलब कि वो बृजभूषण सिंह जी के ही लॉन्ग टर्म लॉयलिस्ट थे। और जो भी इलेक्शंस हुआ उसमें 15 पोस्ट में से 13 पोस्ट फिर से एक बार इनकी ही जो मतलब टीम है वही जीत जाती है, जिसके अंदर एक भी वुमेन को यहाँ पर चूज नहीं किया जाता है। नाउ ये सब होने के कारण जितने भी रेसलर्स थे उन्होंने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की और उन्होंने ये बोला कि बृजभूषण सिंह के जाने के बाद जो संजय सिंह का आना है वो एक्चुअली ये शो करता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है इसके अंदर पॉलिटिकल नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण इन्होंने कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स ले लिए। जैसे कि जो साक्षी मलिक है उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, जो विनेश फोगाट जी हैं उन्होंने ये बोला कि कोई भी वुमेन रेसलिंग को एक सेफ ऑल्टरनेट करियर की तरह चूज नहीं करेंगे, बिकॉज जो करंट सेटअप है वो ये शो करता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल नेपोटिज्म है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। और थर्ड चीज, जो बजरंग पूनिया जो कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्हें जो पद्मश्री अवार्ड मिला था उन्होंने वो पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया। सो ये तीन जब मेन इवेंट हुए तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ा और गवर्नमेंट को इंटरवीन करने के कारण यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया। नाउ What was the reason जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने दिया इसको सस्पेंड करते समय? उन्होंने बोला कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो न्यू चीफ बने हैं संजय सिंह, उन्होंने कुछ आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग की है बिना प्रॉपर चैनल को फॉलो किए हुए,
जैसे कि उन्होंने अंडर 15 और अंडर 20 ये दोनों ही जो रेसलिंग गेम्स होते हैं उन्होंने ये दोनों ही अनाउंस कर दिए बिना जो रेसलिंग के सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे परमिशन लिए बिना या फिर उनसे कंसल्ट किए बिना। दूसरी चीज, संजय सिंह ने जो ये दोनों ही अंडर 15 और अंडर 20 के जो गेम्स अनाउंस किए इन दोनों ही गेम्स का टाइम अभी नहीं हुआ था, मतलब ये दोनों ही गेम्स नॉर्मल टाइम्स में जब होते हैं उससे ये बहुत पहले का समय है जब इसको अनाउंस कर दिया गया, जिसके कारण जो रेसलर्स हैं उनको प्रिपरेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मतलब कि ये सब हेस्टी डिसीजंस लिए गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी इन डिसीजंस को लिया गया है, जिसके कारण मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने इस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ जो समझनी है कि जो भारत का स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कुछ कंसर्न्स हैं, जिसके अंदर एक कंसर्न जो कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं वो है पैट्रोनेज पॉलिटिक्स। मतलब यहाँ पर यू नो पर्सन आफ्टर पर्सन सेम ही जो माइंडसेट के लोग हैं, सेम ही जो हेरिडिटी के लोग हैं वही लोग यहाँ पर चुनकर आते रहते हैं। और सेकंड चीज़, जो हमारे प्रोमिनेंट एथलीट्स हैं, जो हमारे यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनको यहाँ पर पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने झुकना पड़ता है। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पर बहुत बड़े कंसर्न हैं जो कि हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो आई होप आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल से ये समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को क्यों यहाँ पर सस्पेंड किया गया था एंड व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड ऑल दिस न्यूज दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट न्यूज़पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है, दैट वॉज रिगार्डिंग पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। नाउ आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स का नेम लिखा हुआ था जो कि एक्चुअली हमारे जो फार्मर्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो हमारे यू नो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, बट उसके कारण जो ह्यूमंस हैं ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस हो रहा है, ह्यूमंस की जो बेसिकली हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। कुछ पेस्टिसाइड्स के नेम हैं, तो हमारा काम ये है कि हमें ये पेस्टिसाइड्स के नेम्स पता होने चाहिए सो दैट अगर एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है सो वी शुड बी केपेबल इनफ, वी शुड बी इक्विप्ड इनफ कि हमें आइडिया हो कि इनमें से कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं। पहले के नाम है प्रोफेनोफॉस, सेकंड इज फिप्रोनिल, थर्ड इज एसीफेट डाइफेनथेरॉन एंड देन इज मोनोक्रोटोफॉस। ये चार मेन पेस्टिसाइड्स के नेम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर दिए हुए हैं एंड वी शुड बी इक्विप्ड इनफ कि हमें ये चारों चीज़ें याद हों। तो इसके अलावा जो मोनोक्रोटोफॉस हैं इनके बारे में ये भी कहा गया है कि ये महाराष्ट्र में वाइट फ्लाइज को हटाने के लिए, यानी कि वाइट फ्लाइज से अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए और प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो आई होप प्रोफेनोफॉस, फिप्रोनिल, एसीटेट डाइफेनथेरॉन और मोनोक्रोटोफॉस ये चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड्स हैं और हमें इनके नेम्स पता होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आज के आर्टिकल्स के अंदर आया हुआ है वो है वीर शिवा मूवमेंट के बारे में। अगर आप आज का द हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे तो वीर शिवा मूवमेंट के बारे में एक आर्टिकल बताता है जहां पर वीर शिवा एज अ पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में यहां बताया जाता है, बट इसे हम ट्रेस बैक कर सकते हैं वीर शिव मूवमेंट के बारे में। देखिए, जो वीर शिवा मूवमेंट था वो बेसिकली भक्ति मूवमेंट के टाइम में स्टार्ट हुआ था, जिसे बसवन्ना नाम के एक ब्राह्मण ने स्टार्ट किया था। बसवन्ना कौन थे? बसवन्ना बेसिकली कालाचूरी जो डायनेस्टी थी जो 12th सेंचुरी के अंदर साउथ इंडिया में रूल करती थी, उनके कोर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, बसवन्ना, और बसवन्ना ने ही एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, वीर शिव मूवमेंट। अब देखिए, जो वीर शिव मूवमेंट है ये बेसिकली एम्फोसाइज करता है कि सिर्फ एक ही भगवान की पूजा होती है, दैट इज लॉर्ड शिवा। भगवान शिव के बारे में की पूजा करने में ये लोग विश्वास रखते हैं। एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है, सिंपल वर्ड्स में ये एक भगवान को मानता है, वन गॉड के ऊपर मानता है, और ये कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करता है। इसका मानना ये है कि अपर क्लास लोअर क्लास जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती और सबके पास प्रॉपर परमिशन है और सब इक्विप्ड हैं भगवान की पूजा करने के लिए। नौ जितने भी इनके फॉलोअर्स होते हैं वीर शिव मूवमेंट, उनको वीर शैवाइट्स कहा जाता है, और वो हमेशा अपनी बॉडी के ऊपर एक लिंग यानी कि शिवलिंग जो है उसको पहनते हैं, इसलिए इनको लिंगायत्स भी कहा जाता है। लिंगायत का मतलब होता है दोस पीपल जो कि शिवलिंग को पहनते हैं, धारण करते हैं, उन्हें लिंगायत कहा जाता है। सो आई होप वीर शिव मूवमेंट को आप समझ गए होंगे। यह बसवन्ना के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बसवन्ना जो है कालाचूरी रूलर जो थे उनके कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। ठीक है, ये भगवान शिव के ऊपर की पूजा के बारे में बात करते हैं, वे मोनोथिज्म को ये फॉलो करते हैं और कास्ट सिस्टम को ये रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट चविट्टू नाटकम। अब देखिए, चविट्टू नाटकम जो है ये क्रिश्चियन आर्ट फॉर्म है जो कि केरला के अंदर मनाया जाता है, जिसके अंदर म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, डायलॉग और रिदम, इन सारे टाइप्स के जितने भी डिफरेंट टाइप के आर्ट फॉर्म्स हैं सबको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है। 17th सेंचुरी में इंटीग्रेट हुआ था और अक्सर ये फेस्टिवल्स के टाइम में मनाया जाता है।
देखिए, अब जब भी ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म स्टार्ट होता है तो इसके स्टार्टिंग में एक सॉन्ग स्टार्ट होता है, सॉन्ग यानी कि म्यूजिक से स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं विरुथम। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इफ देयर इज एनी क्वेश्चन अबाउट चवीटू नाटकम, सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो विरुथम है, विरुथम इसी का पार्ट है, ठीक है। विरुथम इज अ पार्ट ऑफ चवीटू नाटकम। और आपको ध्यान रखना है कि चवीटू नाटकम में जितने भी अलग टाइप के डांस, एक्टिंग, ड्रामा होते हैं, ये सब के सब क्रिश्चियन रिलीजन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। आप जैसा जानते हैं कि केरला के अंदर एक प्रोमिनेंट जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, दैट इज वाई ये चीज वहां पर काफी ज्यादा मनाई जाती है। और जो भी स्टेज इसके लिए बनाया जाता है, इस पर्टिकुलर नाटकम को करने के लिए, वो हमेशा वुड से बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, लकड़ी का बना होता है। सो दैट इज वाई चवीटू नाटकम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसा आप जानते हैं आज क्रिसमस है, और क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियनिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, एंड दैट इज वाई ये पर्टिकुलर जो आर्ट फॉर्म है वहां पर आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कालडोर वेल्डून कोफिशिएंट। कालडोर वेल्डून कोफिशिएंट के बारे में हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये एक रिलेशनशिप शो करता है दो चीजों के बीच में, पहला है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट एंड सेकंड इज लेबर प्रोडक्टिविटी। मतलब कितनी लेबर प्रोडक्टिविटी को लेकर के कितना आउटपुट आएगा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो शो करता है कालडोर वेल्डून कोफिशिएंट, ठीक है। दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है एक एडिटोरियल को हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में बात होती है। जो ये बॉडी है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन ओशन के स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, मतलब एक सेफ, सिक्योर और स्टेबल इंडियन ओशन के बारे में बात करता है। इसे 2011 में बनाया गया था और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस नाम के जो कंट्रीज हैं वो सब इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब इसको स्टार्ट किया गया था तब इसमें तीन मेन कंट्रीज थी, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, और मॉरिशस ने इसको लेटर ऑन ज्वाइन किया था। इसके अलावा इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वर स्टेट्स भी है जो कि है बांग्लादेश और सीशेल्स, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहां पर ध्यान रखनी है बिकॉज मेंबरशिप के बारे में हमेशा प्रीलिम्स, हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है। नाउ सीएससी को यूज करके बेसिकली इंडिया जो है अपने लीडरशिप और सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है इंडियन ओशन के अंदर। सो ये चीज यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। सीएससी के पांच फोकस एरियाज हैं। पहली चीज तो वो मैरिटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में बात करता है। सेकंड वो बात करता है काउंटर टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन के बारे में। थर्ड वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर ट्रैफिकिंग ऑफ समथिंग, या फिर ट्रांसनेशनल क्राइम, यानी कि एक नेशन से दूसरे नेशन में जो क्राइम होता है उस क्राइम को खत्म करने के बारे में बात करता है। देन वो बात करता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली मैरिटाइम या फिर ओशन ट्रेड से रिलेटेड, उसके बारे में बात करता है। एंड फिफ्थ वो बात करता है कभी भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट या फिर डिजास्टर रिलीफ की अगर जरूरत पड़ती है किसी भी कंट्री को तो उसके लिए जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सब हमेशा रेडी रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है। तो देखिए, अगर आप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि जो पहले पावर था वो हमेशा अटलांटिक ओशन के अंदर हुआ करता था कॉन्सेंट्रेटेड, बट अब वो चेंज होकर इंडियन ओशन की तरफ आ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड चाइना। भारत और चाइना के ग्रोथ के कारण जो पावर है वो शिफ्ट हो रहा है अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन की तरफ। इसलिए माना जाता है कि जो न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है उसके हार्ट पे, यानी कि उसके बिल्कुल बीचों बीच इंडियन ओशन प्रेजेंट है। And that is why जितने भी important powers हैं वो सबके सब Indian Ocean के अंदर अपने control को increase करना चाहते हैं। और उसी में कम माना जाता है कि इंडिया जो है उसका भी एक बहुत ही vital role रहा है, बहुत ही important role रहा है Indian Ocean के अंदर security को promote करने में। भारत की जो नेवल पावर है, भारत जो अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलकर अलग अलग मैरिटाइम एक्सरसाइजेस करता है, जो जितने भी डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये सब मिलकर के साथ में भारत को एक इंपॉर्टेंट पावर बनाती है इंडियन ओशन के अंदर। जैसा हमने बात किया, भारत जो है वो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस को डिफेंस में, फिर सिक्योरिटी रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और यहाँ तक कि इक्विपमेंट प्रोविजन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर मेंस में काम आ सकती हैं जब भी कोई क्वेश्चन इंडियन ओशन रीजन के सिक्योरिटी के बारे में आएगा तो, या फिर जो इंडियन ओशन है बेसिकली उसके सिक्योरिटी के बारे में जब भी आएगा वहाँ पर हम इन पॉइंट्स को, इन जो कीवर्ड्स हैं इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट चाइना का इन्फ्लुएंस। चाइना ने काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा इस पर्टिकुलर इंडियन ओशन के अंदर। एम क्या है? वो एम उसका यह है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट
कम्युनिकेशन लाइन्स हैं या फिर चोक पॉइंट्स हैं या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ब्रिजेस हैं, स्ट्रेट्स हैं, उन सबको वो कंट्रोल करना चाहता है ताकि जो भारत का इन्फ्लुएंस है, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन के अंदर, जो इंडिया का प्रेजेंस है उसको वो लिमिट कर सके, उसको रोक सके। इसके लिए चाइना जो है अपनी नेवल कैपेबिलिटीज़ को बहुत स्ट्रांग कर रहा है, अपने जो डिफेंस रिलेशनशिप्स हैं अलग कंट्री के साथ उसको वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है, और लगातार वो आप देखेंगे कि मैरिटाइम एक्सरसाइजेस करता रहता है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है जो CSC नाम की बॉडी है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, वो एक इंपॉर्टेंट मेंबर की तरह आती है, एक इंपॉर्टेंट बॉडी की तरह होती है, जिसके थ्रू भारत अपने साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उन सबको साथ लेकर के एक इंपॉर्टेंट फोर्स की तरह आगे बढ़ सकता है और चाइना की ग्रोथ को यहां पर रोक सकता है, चाइना की ग्रोथ को यहां पर काउंटर कर सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे। ये भी एक एडिटोरियल डिस्कशन है। नाउ ये एडिटोरियल डिस्कशन जो है रैनसमवेयर अटैक्स इन इंडिया के ऊपर है। नाउ अगर आप देखेंगे तो एक एडिटोरियल आया है जिसमें यह बोला गया है कि लगातार जो भारतीय IT कंपनीज हैं उनके ऊपर रैनसमवेयर अटैक्स बढ़ रहे हैं। समझिए इसको, देखिए जो रैनसमवेयर अटैक्स होता है इसका मतलब होता है कि जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं तभी ये अटैक्स हो पाई है। और ये हम देखा गया है कि जो भारतीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके ऊपर पिछले कुछ सालों में लगातार ही रैनसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं। जैसा कि जो 2022 था, यानी कि जो लास्ट ईयर था, उसमें 57% ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने ये रिपोर्ट की थी उनको किसी न किसी टाइम पे रैनसम अटैक का विक्टिमाइज किया गया था, मतलब विक्टिम होना पड़ा था। ठीक है, मतलब 2022 में 57% ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर रैनसमवेयर अटैक्स हुए थे, पर 2023 में के अंदर ये नंबर जो है वो इंक्रीज होकर 73% पहुँच गया है। मतलब सोचिए 57% से 73% पहुँच गया है जो रैनसमवेयर अटैक्स है वो। अब देखिए ये जो अटैक्स होते हैं वो किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होते हैं जिनके पास वैल्यूएबल डेटा हो। ठीक है, तो किसके पास वैल्यूएबल डेटा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट IT ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, कुछ सॉफ्टवेयर वेंडर्स हो गए, इनके पास काफ़ी सेंसिटिव डिटेल्स होते हैं, इसलिए ऐसा देखा गया है कि इनके ऊपर काफ़ी सारा रैनसमवेयर अटैक्स होता है। तो रिसेंट न्यूज़ ये है कि HCL टेक्नोलॉजीज जो एक भारतीय इंडियन IT सर्विस प्रोवाइडर है इसके ऊपर एक रैनसमवेयर अटैक हुआ है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा इसको हानि नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा इसको क्षति नहीं हुई है, बिकॉज इनका जो फायरवॉल सिस्टम था, फायरवॉल सिस्टम यानी कि जब वो बेसिकली रैनसमवेयर से जो प्रोटेक्ट करता है उसे, वो काफ़ी स्ट्रांग था। दैट इज़ वाई इन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ है, बट फिर भी इन्होंने रिपोर्ट किया है कि इनके ऊपर अभी रिसेंटली एक रैनसमवेयर अटैक किया गया था। इसके अलावा पिछले कुछ टाइम में, पिछले एक साल में दो इंपॉर्टेंट बॉडीज पर यहाँ पर रैनसमवेयर अटैक हुआ है, हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। सन फार्मा नाम की भारतीय एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके ऊपर मार्च 2023 के अंदर एक रैनसमवेयर अटैक हुआ था, जिसके कारण उस पर्टिकुलर कंपनी का जो रिवेन्यू मैनेजमेंट पॉलिसी था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैम्पर हो गया था। इसके अलावा एम्स रैनसमवेयर अटैक के बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे, जो कि नवंबर 2022 में किया गया था, जहाँ पर काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डिटेल्स थे जैसे कि पेशेंट का डेटा, ठीक है, फिर हॉस्पिटल ऑपरेशंस जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड जितना भी डेटा था ये सारा का सारा कहीं ना कहीं हैम्पर हो गया था उस पर्टिकुलर टाइम में, कॉम्प्रोमाइज हो गया था। ठीक है, और जिन्होंने अटैक किया था उन्होंने 200 करोड़ की डिमांड की थी इन क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम एम्स हॉस्पिटल, बट ऑब्वियसली बात है एम्स ने इस पर्टिकुलर पैसे को देने से मना कर दिया था, जिसके कारण ये जितना भी डेटा था ये सारा का सारा डार्क वेब जो है उसके ऊपर रिलीज कर दिया गया था। मतलब एज अ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि पैसे उनको नहीं मिले थे, उन्होंने डार्क वेब पे सारा का सारा डेटा रिलीज कर दिया था। ठीक है, सो आई होप आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है अगर रैनसमवेयर अटैक्स ऐसे लगातार बढ़ते जाते हैं तो ये किस चीज़ की नीड को सिग्निफाई करता है, ये बात करता है साइबर सिक्योरिटी के नीड्स को, साइबर सिक्योरिटी को कैसे हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अभी के टाइम में आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जो बॉडीज़ हैं ये सब काफ़ी फास्ट इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आपने सुना होगा जनरेटिव AI के बारे में, जनरेटिव AI जो होते हैं उसके बारे में आपने सुना होगा, तो ये सब चीज़ें शो करती हैं कि अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डाटा का सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी के टाइम में डेटा ब्रीच करना बहुत ईजी हो गया है, तो डेटा ब्रीच करने से बचाने के लिए डेटा सिक्योरिटी का यहाँ पर स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई रैनसमवेयर अटैक से फाइट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को और जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज हैं उनको यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्टेप्स लेने होंगे ताकि इस पर्टिकुलर अटैक्स को संभाल के बचाया जा सके। ठीक है, सो ये था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। आई होप आपको सारे ही आर्टिकल्स एंड सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपरली समझ आ गए होंगे। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली द हिंदू न्यूज़पेपर में
कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे और कितनी जल्दी हम इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं, वो हमारा यहाँ पर मेन एम होगा। ठीक है, हमारा मेन एम यहाँ पर ये होगा कि हम न्यूज़पेपर की रीडिंग को और न्यूज़पेपर के जो पॉइंट जॉटिंग टाइम है उसको हम रिड्यूस कर सकें और जल्दी से जल्दी हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ करके आगे बढ़ सकें, सो दैट हमारा जो मेजॉरिटी टाइम है वो हम बाकी पार्ट ऑफ द सिलेबस पे दे सकें। आई होप दीज न्यूज़ आर क्लियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।